Good morning, my dear kids. Now we'll move ahead with question number 9, which is on page number 68. Do as directed. Now see, here 4 pictures are given and some of the parts are missing. Unke thode bahut jo body parts hai wo missing hai. We have to use different shapes to complete it. हमें अलग अलग shapes use करने हैं उनको complete करने के लिए. See the first one. Draw spectacles. मतलब चश्मे जो आप पहनते हो. From which is this shape? Good. It is a rectangle shape. On the first picture. तो spectacle कहाँ पे पहनते हैं सबको पता है? Eyes पे. तो eyes पे उनको ये बनाओ चलो. And you have to use which shape? Very good. Rectangle. Okay, see. Now, draw mustache. From which is this shape? Do shape diye gaye hai. Yes, good. It is a triangle. Shape. On the second picture, mustache means मूछे, तो यहाँ पे बनाओ उसकी मूछे, हो गई. Then draw mouth from which is the shape? It is a circle. On the third picture, तो mouth कहाँ पे आता है सबको पता है? Yes, here it is. So mouth with circle. And the last one. Draw face, मतलब पूरा मुंह आपको draw करना है. कौन से shape का use करके? Yes, good. By using the square. तो देखो इसका मुंह missing है. So आपको उसका मुंह बनाना है. Okay, you have to use scale for this, because जो square होता है it has all 4 sides equal. चारों की चारों sides उसकी equal होती है. So draw it properly. Now see the next. Priya wants to sing garba in Navratri. Dress her with the ornament given beside. See, आपको Navratri पता है क्या करते हैं हम Navratri में? It is the most famous festival of Gujarat. और मोस्ट ऑफ आप सबको गरबा खेलना आता ही होगा. आई नो वेरी वेल. नाउ दिस प्रिया वांट्स टू गो फॉर गरबा. और यहाँ पे उसके ऑर्नामेंट्स दिए गए. और अगर आप ऑर्नामेंट्स को मार्क्स करोगे, यू विल नोटिस दैट ऑल द ऑर्नामेंट्स आर मेड अप ऑफ विथ डिफरेंट शेप्स. अलग अलग शेप्स के बने हुए हैं. देखो यहाँ पे ट्राइंगल यूज हुआ है, सर्कल है, यहाँ पर स्क्वायर है. सी, सो दे हैव यूज डिफरेंट शेप्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू. अब देखो ये कहाँ पे पहना सकते हो आप? ये दो नेकलेस है तो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे. तो आपको उसको ये दो यहाँ पे ड्रॉ करोगे. तो ये इयर रिंग्स है तो आप कान पे जो आपको पसंद है वो ड्रॉ कर सकते हो. फिर पैरों में आएंगे, राइट? तो आप ये ऑर्नामेंट्स इसको पहनाना एंड मेक a beautiful so that she can go for garba. Okay, आपको in short ये ornament जो है इसको पहनाने हैं अलग अलग shape के, अपने आप करना अच्छी तरह से. Okay, then see the next question. Draw the object in the picture as per instruction. यहाँ पे भी आपको draw करना है. यहाँ पे instruction दी गई है. The girl and the mother are sitting on the chair. Means यहाँ पे आपको चेयर ड्रॉ करनी है. हियर एंड हियर. वाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सीटिंग ऑन द चेयर. देन द गर्ल इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. मीन्स उसके हाथ में यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ स्टोरी बुक. ओ जो कहानियों की किताब पढ़ रही है. ओके, देन द मदर इज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. वाइल ऑन द ऑपोजिट साइड हियर इन द हैंड ऑफ हर मदर यू हैव टू ड्रॉ न्यूज़ पेपर.
Okay. Then next question is, the girl and the mother are sitting in front of a table. Means they both are sitting in front. सामने. तो यहाँ पे आप you have to draw here one, here table you have to draw. तो आप यहाँ पे सेंटर में टेबल बनाना. ओके. द नेक्स्ट, द डस्टबिन इज कैप्ट बिसाइड द चेयर ऑफ द मदर. बिसाइड मतलब बाजू में. तो आप कोई भी एक जगह पे यू हैव टू ड्रॉ वन डस्टबिन, आइदर हियर यू कैन मेक हियर वन डस्टबिन. अ बाउल फुल ऑफ फ्रूट्स इट कैप्ट ऑन द टेबल. यहाँ पे जो हम टेबल ड्रॉ करने वाले, यू हैव टू ड्रॉ वन बास्केट विच शुड बी फुल ऑफ फ्रूट्स उसके ऊपर, राइट. एंड लास्ट, अ फ्लावर वास इज कैप्ट बिसाइड द चेयर ऑफ बिसाइड. तो यहाँ पे आप फ्लावर वास भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. सो दैट मच ओनली यू हैव टू डू फॉर टूडे. होप यू विल कम्प्लीट योर होमवर्क. ओके, बाय, टेक केयर.